अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। मुझे अब भी लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई स्टिल थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग। I still think you are hiding something. मुझे अब भी लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। I still think you are hiding something. वरना तुम इतने गुस्से में नहीं होते। Otherwise, you would not have been so angry. Otherwise, you would not have been so angry. वरना तुम इतने गुस्से में नहीं होते। Otherwise, you would not have been so angry. अपना कोट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। काफी यूजफुल सेंटेंस है। अपना कोट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। पुट योर कोट ऑन। पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। पुट योर कोट ऑन अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। अपना कोट पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मदद की जरूरत तुम्हें है मुझे नहीं। You are the who needs help, not me. You are the who needs help, not me. मदद की जरूरत तुम्हें है मुझे नहीं। You are the who needs help, not me. तुम नींद में लग रहे हो, जरूर रात देर तक जागे होगे। तुम नींद में लग रहे हो, जरूर रात देर तक जागे होंगे। काफी यूजफुल सेंटेंस है। You look sleepy. You must have stayed up late. You look sleepy. You must have stayed up late. तुम नींद में लग रहे हो, जरूर रात देर तक जागे होंगे। You look sleepy. You must have stayed up late. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I never thought you'd ever betray me. I never thought you would ever betray me. मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे धोखा दोगे। I never thought you would ever betray me. मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। I never expected this from you. I never expected this from you. मैंने तुमसे ये कभी ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम गुस्सा हो जाओगे। ये मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम गुस्सा कर जाओगे। आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रुथ। आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रुथ। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम गुस्सा हो जाओगे। आई थॉट यू वुड बी एंग्री इफ आई टोल्ड यू द ट्रुथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। इफ दैट्स वॉट यू थिंक then you don't know me at all. If that's what you think, then you don't know me at all. अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। If that's what you think, then you do not know me at all. काश तुमने वैसा ना किया होता। I wish you had not done that. I wish you had not done that. काश तुमने वैसा ना किया होता। अच्छा होगा अगर तुम इस बारे में किसी को ना बताओ। इट वुड बी बेस्ट इफ यू डोंट टेल एनीबडी अबाउट इट। इट वुड बी बेस्ट इफ यू डोंट टेल एनीबडी अबाउट इट। अच्छा होगा अगर तुम इस बारे में किसी को ना बताओ। ना तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना ही हमदर्दी। या ना तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना ही हमदर्दियां। आई नीदर व्हाट यू वांट योर हेल्प nor your sympathies. I neither want your help nor your sympathies. ना तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना ही हमदर्दी। दोस्तों ये राइटिंग मेथड मिस्टेक है। I neither want your help nor your sympathies. और एक बात और। And one more thing. And one more thing. और एक बात और। ना तो मैं अंधा हूं और ना ही बेवकूफ। काफी यूजफुल सेंटेंस है। ना तो मैं अंधा हूं और ना ही बेवकूफ। इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी?
आई एम नीदर ब्लाइंड नॉर अ फूल, आई एम नीदर ब्लाइंड नॉर अ फूल, ना तो मैं अंधा हूं और ना ही बेवकूफ। मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हें खतरे में डाल दे। आई डोंट वॉन्ट टू वॉन्ट यू टू डू एनी थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू डू एनी थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर। मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ करो जो तुम्हें खतरे में डाल दे। आई डो नॉट वॉन्ट यू टू डू एनी थिंग दैट पुट्स यू इन डेंजर। मुझे अब कोई परवाह नहीं चाहे मैं मरूं या जीऊं। मुझे अब कोई परवाह नहीं चाहे मैं मरूं या जीऊं। आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ। आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ। दोस्तों ये राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ये लव की जगह यहाँ लिव आएगा। आई डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई नाउ। मैं तो बस चाहता हूं कि जो उसने किया वो उसकी कीमत चुकाए। I just want him to pay for what he did. I just want him to pay for what he did. मैं तो बस चाहता हूँ कि जो उसने किया वो उसकी कीमत चुकाए। I just want him to pay for what he did. क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ? Have you heard what happened there? Have you heard what happened there? क्या तुमने सुना वहाँ क्या हुआ? हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। यस आई हैव हर्ड अबाउट इट टू। हाँ मैंने भी सुना इस बारे में। लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? बट वट हैज दैट गॉड टू डू विद अस। बट वट हैज दैट गॉड टू डू विद अस। लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना? But what has that got to do with us? कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। Someone is trying to frame us. Someone is trying to frame us. कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Someone is trying to frame us. तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? Do you have any idea who might be behind this? Do you have any idea who might be behind this? तुम्हें कोई अंदाजा है इसके पीछे कौन हो सकता है? Do you have any idea who might be behind this? नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। No, but I am trying to figure out. No, but I am trying to figure out. नहीं, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? No, but I am trying to figure out. और मैं तुमसे वादा करता हूं। And I promise you. And I promise you. और मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं आराम नहीं करूंगा जब तक उस आदमी को ढूंढ ना लूं जिसने ये किया। या मैं आराम से नहीं बैठूंगा जब तक उस आदमी को ढूंढ ना लूं जिसने ये किया। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। आई विल नॉट रेस्ट अंटिल आई फाइंड द पर्सन हु डिड दिस। मैं आराम नहीं करूंगा जब तक उस आदमी को ना ढूंढ लूं जिसने ये किया। लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बट आई नीड योर हेल्प इन ऑर्डर टू डू दैट। But I need your help in order to do that. लेकिन वैसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। But I need your help in order to do that. लेकिन वैसा होगा कैसे? But how would that happen? But how would that happen? लेकिन वैसा होगा कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। काफी बोले जाने वाला सेंटेंस है ये। नो दिस कैन नॉट बी ट्रू। नो दिस कैन नॉट बी ट्रू। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नो दिस कैन नॉट बी ट्रू। हम अब बुरी तरह से जख्मी हैं। वी ऑल आर बैडली इंजर्ड। वी ऑल आर बैडली इंजर्ड। हम अब बुरी तरह से जख्मी हैं। वी ऑल आर बैडली इंजर्ड नाउ। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। आई नो दिस इज नॉट इजी।
आई नो दिस इज नॉट इजी, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, आई नो दिस इज नॉट इजी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।